अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्चुअल यूबिक्विटस एकेडमी। और हमारा जो कोर जावा का कोर्स है वो कंटिन्यू है विद जावा 8 वर्जन। और आज का जो टॉपिक है वो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी जो फर्स्ट हमारा इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसका हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ये एक API है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के काम आती है। यानी आप अगर जावा प्रोग्राम में रहते हुए डेटाबेस की कुछ क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम JDBC का यूज़ करते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हमारे क्या करती है, ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमारे पास एक्सेस आ जाती है डेटाबेस की, उनके टेबल्स की, और फिर हम उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो JDBC का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये क्रॉस DBMS कनेक्टिविटी है। मीन्स आपके पास जितनी मर्जी किस्म की डेटाबेस मौजूद हों, ये उसके साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स सम आर्किटेक्चर। वो अभी हम इसी में देखते हैं क्या चीज़ है। हमारी कोई भी एप्लीकेशन वो जावा डेटाबेस API को यूज़ करती है, JDBC कनेक्टिविटी API को यूज़ करती है, और अपने ड्राइवर मैनेजर के थ्रू जो उसको मैनेज कर रहा होता है ड्राइवर, ठीक है, जो जिसका काम ये होता है कि ड्राइव करना है DBMS के ऑपरेशंस को, उसके थ्रू ये कनेक्ट करती है डेटाबेस के साथ। असल में ड्राइवर मैनेजर जो है वो ड्राइवर्स जिस तरह हमारे बाकी हार्डवेयर के ड्राइवर होते हैं, जिस तरह हमारे बाकी हार्डवेयर के ड्राइवर होते हैं, ऐसे ही डेटाबेस की कनेक्टिविटी के भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी के भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं। तो हमारा जो ड्राइवर मैनेजर है उन ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए डेटाबेस तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाता है और फिर वहां से रिस्पांस लेता है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ डायरेक्ट डेटाबेस के ड्राइवर हैं और कुछ हमारे हैं JDBC ODBC ब्रिज आपको नज़र आ रहा है। ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट का एक सोल्यूशन है जो कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। सो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या टाइप्स हैं, ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन जो हाई लेवल पे अगर देखा जाए तो JDBC API अपने ड्राइवर मैनेजर के थ्रू डिफरेंट ड्राइवर्स के का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन बनाता है। सो हम इसके ऊपर तमाम DB के ऑपरेशंस जो कि उस पर्टिकुलर यूज़र को अलाउ होते हैं वो हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं ये ड्राइवर्स क्या चीज़ हैं, ठीक है, और बाकी इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। सो अभी हम ड्राइवर की टाइप्स चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जो हमारे पास JDBC के जो ड्राइवर्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं।